हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्प्रिंट नॉलेज सॉल्यूशंस। और आज हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़, दैट इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये इसलिए आजकल अखबारों में हैं क्योंकि इनका एक स्टैचू था जो कलकत्ते में टूट गया है ड्यूरिंग द अम्बेडकर रैली। ओके, नाउ ये कौन थे, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, राइट? तो बेसिकली ये एक ह्यूमनिस्ट थे, एक फेमिनिस्ट थे, सो इनको दया सागर भी बोलते थे, ठीक है? दैट्स वाई वी सिंग ह्यूमनिस्ट। जैसे एक अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक खोलें तो दिस इज बेसिकली ऑन पेज 131 ऑफ बिपिन चंद्र। ओके, राइट, एंड हेयर इट मेंशंस दैट विद्यासागर यू नो ऑलवेज यूज टू हैव एक्स्ट्रा कोट, कि एक गर्म कपड़ा वो हमेशा अपने साथ शॉल लेके चलते थे एक गरीब आदमी को देने के लिए हमेशा, राइट? सो यू नो बंगाल में बहुत ज़्यादा कहानियाँ इनके बारे में, जैसे कि बहुत हाथ ज़्यादा ये एक अच्छे आदमी थे, राइट? तो बेसिकली इफ यू अगर देखा जाए तो क्यों इनका स्टैचू तोड़ा गया, इसके बारे में क्या ये रीज़न, कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि नहीं, ये डिस्कस करेंगे हम इन दिस एंड हम इनके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो अब बेसिकली आज के अखबार अगर आप खोलें तो उसमें मोदी जी एंड ममता जी बेसिकली आर टारगेटिंग ईच अदर रिगार्डिंग द डैमेज टू द स्टैचूज। सो नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली इज हार्ट ब्रोकन बाय दिस बिकॉज ही ऑब्वियसली यू नो ही रियली रिस्पेक्ट्स पीपल लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट? एंड ही सेड दैट अ बिगर स्टैचू वुड बी इंस्टॉल एट द सेम स्पॉट, वेरी स्मॉल वन विल मेक अ बिगर वन फॉर हिम। आई थिंक ही हैड अ सिमिलर प्लान लाइक फॉर सरदार पटेल। Bengal says that obviously Mamata Banerjee says that you know they have destroyed a 200-year-old heritage and Bengali should not vote for BJP for destroying the state. So now there's a debate about them. Now obviously there's another connotation ki kya left walon ne toda hai, because Naxal Union 1960 around mein pehle bhi ek aisi harkat kar rakhi hai, theek hai na? To wo bhi hum baad mein discuss karte hain, but aage abhi Ishwar Chandra Vidyasagar ke bare mein jaane. To ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनको डिस्क्राइब कैसे किया गया है? सो माइकल मधुसूदन दत्त हैं, हुज़ अ बहुत ही फेमस ड्रामेटिक्स थे इन द 19th century। इन्होंने बोला था कि एक जीनियस हैं, ये एक एंशियन ऋषि जैसे हैं, इनके पास एनर्जी है इंग्लिश मैन की और हार्ट है बंगाली माता का। तो बेसिकली वो जो अगर आप सोचें तो बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी हैं, बहुत सारा दिल लगे रहते थे, ठीक है, फॉर वीमेन अपलिफ्टमेंट, फॉर वीमेन एजुकेशन एक्सेट्रा, राइट? सो अगर इनके पास हम बात करें तो ये यू नो 26 सितंबर 1820 में पैदा हुए थे। तो बेसिकली ही वॉज एजुकेटेड, राइट, एंड बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज, राइट? ही स्टडीड ग्रामर, लिटरेचर, वेदांता फिलोसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, हिंदू लॉ। ही गॉट द टाइटल ऑफ विद्यासागर, इट्स नॉट हिज कास्ट, राइट? So he was known as the ocean of learning. Even let's say when he met you know Ramakrishna Paramahans, who was the क्या कहते हैं गुरु थे विवेकानंद के, तो वो उन्होंने भी कहा था कि ये ओशन है विजडम के। सो बेसिकली विद्यासागर जो दैट ही शुड हैव टेक यू नो द सॉल्ट सम सॉल्टी वाटर ही शुड हैव टेकन फ्रॉम माई विजडम। सो यू नो रामकृष्ण परमहंस रिप्लाई, देयर इज नो सॉल्ट इन योर वाटर, राइट? सो दैट आपके जो सागर है विजडम का उसमें कोई नमक नहीं है, ठीक है, मिलावट नहीं, दैट इज वॉट ही मीन्ट, राइट? सो दैट टेल्स यू दैट हाउ ग्रेट पर्सनैलिटी वॉज ही, राइट? सो ही हैड ग्रेट करेज, फेयरलेस माइंड, अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भरता थी, कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा, सिंपथी थी फॉर द पुअर, राइट? एज आई ऑलवेज टॉक्ड, ही स्टडीड अंडर स्ट्रीट लाइट्स एज अ चाइल्ड। इतना अनसैटिएबल था इनका नॉलेज के लिए यू नो डेडिकेशन, दैट ये यू नो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना स्टार्ट कर देते थे अगर इनके पास पैसे ना हो। तो वो स्ट्रीट लाइट वाला एग्जाम्पल सुना होगा सबने कि स्ट्रीट लाइट के नीचे जो जिनको पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो वो बेसिकली विद्यासागर का यू नो एग्जाम्पल था अगर देखा जाए। सो बट अब अगर सोचे तो उनका सबसे बड़ा यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ही वॉज अ एजुकेशनिस्ट ऑब्वियसली, बट ही वॉज अ रिफॉर्मर ऑफ द ट्रेडिशनल अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी एंड द फोकस ऑफ हिज रिफॉर्म वॉज फीमेल्स, ठीक है ना? इन्होंने क्या क्या हेल्प की थी, इनिशिएट किया था विडो री मैरिज। तो यू नो इफ यू थिंक अबाउट इट, द फर्स्ट लॉफुल हिंदू री मैरिज अमंग द अपर कास्ट वॉज सेलिब्रेटेड इन कैलकटा ऑन 7 December 1856 अंडर द इंस्पिरेशन एंड द सुपरविजन ऑफ विद्यासागर, राइट? सो दैट वॉज इज ऑब्वियसली वन ऑफ हिज ग्रेट अचीवमेंट्स।
एंड यू नो यू माइट नो दैट यू नो नरेंद्र मोदी को एक सूट मिला था जिसमें मोदी 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 नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था. नाउ ऑन द अदर हैंड यू नो द वीवर्स ऑफ शांतिपुर इशूड अ पेक्यूलर काइंड ऑफ वुमेन साड़ी विच यू नो वोवन अक्रॉस अलोंग इट्स बॉर्डर द फर्स्ट लाइन ऑफ द न्यूली कंपोज सॉन्ग विच वेंट टू से मे लॉन्ग लिव विद्यासागर. ठीक है ना, मे विद्यासागर लिव लॉन्ग. दैट वॉज बेसिकली हाउ मच पीपल लव्ड हिम, राइट? आई डोंट थिंक सो एनी सॉन्ग्स लाइक दैट आर रिटन अबाउट समबडी टुडे. Okay, there are other things which are important about him which can come in your exam. That is Bengali primer likha tha, Borno Pirochoy. He reconstructed it after Charles Wilkins ne 1870 mein pehli baar banaya tha, right? So, ab aajkal agar koi Bengali seekh raha hai, toh inhi ka primer hai. So, Vidyasagar rationalism ke baare mein agar hum soche, toh inhunne a study likhi thi Max Weber ne 1916 mein on the religion of India. He said that sociology of Hindus and Buddhism had become a compound of magic, animism and superstition. कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, social practices थी जिसमें बहुत ही you know segregation of caste थी, hierarchy थी जो fixed थी. तो उसको basically देखा जाए तो तीन लोगों ने attack किया था. राजा राममोहन रॉय 1872-1833, अक्षय कुमार दत्त 1820-1886, विद्यासागर 1891. सो बेसिकली अगर हम देखें तो रॉय फाउंडेड द ब्रह्म समाज, बट विद्यासागर एंड दत्त जो थे वो भगवान भगवान में नहीं सोचते थे. वो बोलते थे कि मेरे पास इनाफ काम है इन दिस वर्ल्ड, कि मैं अपने ये नहीं सोचना कि अब मरने के बाद क्या होगा, तो हम अभी आज का देख लेते हैं. तो विद्यासागर का कॉन्सेप्ट ऐसा था, तो रैशनलिस्टिक वो काफ़ी. इन्होंने पेपर लिखा था जो इन्होंने यू नो ब्राह्मण कुलीन समाज में ना होता था कि जो एज होती थी 10 साल से कम लड़कियों की, उनको इवन यू नो डेथ बेड पे भी अगर कोई आदमी हो उससे शादी करवा देते थे, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले शादी करवानी होती थी. अब होता क्या था, वो मर जाते थे. तो फिर वो विडोज जो अब सिटी में आ गई हैं, दे यूज टू बिकम प्रोस्टिट्यूट्स, एंड एक्चुअली दे वर मोर देन 20-30,000 प्रोस्टिट्यूट्स इन बंगाल एट दैट टाइम. ओके, राइट? एंड यू माइट हैव सीन देवदास, सो दैट इज समथिंग. सो इन 1855 ही रोट टू फॉर्मस ट्रैक्ट्स ऑन मैरिज ऑफ Hindu widows, grounding his argument in reason and logic, showing that there was no problem. And Parashar Samriti ko unhone use kiya tha to justify this. And he said that he did feel compassion, but unhone bola jab tak maine convince nahi ho gaya tha ki shastra ne sanction kiya hai, tab tak main nahi likhna start nahi kiya tha kuch. Theek hai na? To unhone against nahi kiya tha, unhone reform kiya internally padh ke. So campaign for widow remarriage ke sath unhone polygamy ki against bhi petition dali. सो ही सेट दैट पिटिशन इन 1857 में डाली थी, 25,000 सिग्नेचर. तो थिंक अबाउट दैट, एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा नंबर था ये, ठीक है ना? एंड एट दैट टाइम इंटरनेट नहीं था, ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हो, एक्चुअली साइन करवाएं जा जा के लोगों के घर. सो काम हुआ है, ठीक है ना? राइट, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है. तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इनके जो पैम्फलेट्स थे विद इन द फर्स्ट वीक यू नो वो सोल्ड, एंड यू नो इवन द रीप्रिंट वाज सोल्ड. एंड इन्होंने पिटिशन किया था 1855 में अक्टूबर में कि आप पास करिए लॉ, राइट, टू ऑब्स्टिकल्स टू विडो री मैरिज एंड यू नो डिक्लेयर इशूज ऑफ सच मैरिज टू बी लेजिटिमेट. बट फिर हुआ ये कि विडोज री मैरिज एक्ट पास हुआ जुलाई 1856 में, एंड बहुत ड्रामा हुए, लिटरेरी ड्रामाज टू इंकरेज यू नो नुक्कड़ नाटक होना स्टार्ट हो गए री मैरिज के लिए बंगाल में, एल्सवेयर महाराष्ट्र में. तो अब बेसिकली अर्लीस्ट रिफॉर्म इन्होंने किया था ऑफ हिंदू वुमेन, एंड उन्हीं का बस्ट बेसिकली अब वैंडलाइज हुआ है. सो यू नो इज इट बिकॉज ऑफ सम रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस इन अ सर्टन कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंडिया, इज इट बिकॉज यू नो देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट ममता बनर्जी डिड इट, और इज इट सम नक्सल पर्सन, दैट इज डिबेटेबल थिंग. देयर इज अ आर्टिकल यू नो बाय विप्लव लोधो चौधरी, एंड ही टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट it can even be the left, and Naxals had done in the 1860s something similar, right? Please go through this article on your own time, though it's not that interesting, right? It doesn't have too many facts for us. Let's look at some few objective type questions. So the first is, which of the following statements are true regarding Ishwar Chandra Vidyasagar, right? So if you think about it, so he was appointed as the principal of the Sanskrit college. Haan, ye obviously this is true, humne padha hai. His Bengali primer problem, chahe construction, right? That's true. He spent the last 18 to 20 years on Santals, that is true. Theek hai na? So all of them are true in this,
राइट ओके बट नाउ इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें सारे सही हो तो क्वेश्चन कैसा डाला जाए लेट्स ट्राई एज आई वाज सेइंग इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला तो क्या आएगा सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर सो विद्यासागर वॉज फाउंडेड यू नो द बेथुन कॉलेज हिज बंगाली प्राइमर द बोर्न अपॉन चाइल्ड रिकंस्ट्रक्टेड द मॉडर्न बंगाली अल्फाबेट Number three, Ishwar Chandra Vidyasagar spent 18 to 20 years of his life among the Bhil tribe. So we know that first is wrong, third is also wrong. So answer is C, two only, right? But so the kind of this is the kind of question expected, right? Now, thank you so much for listening about Ishwar Chandra Vidyasagar. If you have any comments about him, do go through it. As I was saying, page 131, Social and Cultural Awakening for Bipin Chandra is the reference if you would like to go through this. Thank you so much for listening to us. Do join our Telegram group and if you have any comments, do comment. Thank you so much.